मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आई एम करी सरका, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हरे मटर को हम एक साल तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और सर्दियों के सीज़न में हमें मार्केट में तो अवेलेबल मिलते हैं हरे मटर, लेकिन अगर ऑफ सीज़न में देखा जाए तो हमें हरे मटर खाने को नहीं मिलते हैं। तो आप इस तरीके को अपना के एक साल तक आप मटर को यूज़ कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हरे मटर को आज हम करने वाले हैं स्टोर। जो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर आप स्टोर करेंगे तो आप एक साल तक मटर को आराम से यूज कर सकते हो। ठंडियों का सीजन चल रहा है, ठंडियों के सीजन में मटर आते हैं, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जब ठंडियों का सीजन खत्म हो जाता है मटर हमें कम देखने को मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो उस केस में आप ठंडियों के सीजन में मटर को लेके आप इस तरीके से अगर आप स्टोर करेंगे मटर को, जो मैं आज तरीका आपको बताने वाली हूँ, तो उस तरीके से आप एक साल तक मटर को आराम से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा किलो छिले हुए मटर लिए हैं। अगर आपके पास मटर ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप ले सकते हो इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैंने डाला है 3 ग्लास के करीब पानी और पानी को हम उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पे। देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो अब उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे इस मटर को। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे जो मटर है वो नीचे सेटल्ड है। इसे हाई फ्लेम पे हम उबालेंगे 2 मिनट के लिए और जैसे ही उबलेंगे आपको एक इंडिकेशन आ जाएगा कि सारे के सारे मटर जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट होंगे। इसका मतलब उस टाइम पे आपको जो है गैस स्टोव को बंद करना है। 2 मिनट तक इसे हम उबालेंगे इसी तरह से। देखिए यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने मटर को जो है अच्छे से उबाल लिया हाई फ्लेम पे। अब गैस को कर देंगे बंद। अब इसे हम छान लेंगे, छान के सारा का सारा पानी जो है निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर छन्नी रख दिया है, उसका सारा का सारा पानी इस तरीके से निकाल देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में बर्फ ले लिया है। अब जो मटर हमने बॉईल किए थे वो इस बर्फ में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बर्फ़ के साथ, ताकि इसका जो पकना बंद हो जाए, इसका कुक होना बंद हो जाए, ज़्यादा पके नहीं। और बर्फ़ में डालने से क्या होगा, इसका जो कलर है हरा कलर वो मेंटेन रहता है। तो बर्फ़ का शॉक देने से ही होगा क्या, इसका जो पकना है वो बंद हो जाएगा। देखिए जो बर्फ़ है अच्छे से पिघल गया है, पूरी तरह से पिघल गया है। अब हम इसे छान लेंगे एक बार फिर से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है जिपलॉक वाली बैग, जो मार्केट में इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगी, कोई भी दुकान में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एयरटाइट कंटेनर ले सकते हो, उसमें भी आप डाल सकते हो। तो इस मटर को मैं डाल दूंगी इस बैग में। वैसे तो ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है आपको, जो फ्रोज़न मटर हम जिसको बोलते हैं मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। लेकिन आप अगर घर में करेंगे तो काफ़ी हाइजीनिक होता है, विदाउट एनी केमिकल्स आप घर में आसानी से स्टोर कर सकते हो इस प्रोसीजर से। तो बस इसको इस तरीके से जिपलॉक बैग में डाल के इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए और एक साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रोसीजर को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।